आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रूट कस्टर्ड ट्राइफल की रेसिपी। ये एक यूनिक डेजर्ट है जो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। इसमें आपको फ्रेश फ्रूट, कस्टर्ड, जेली और ड्राई फ्रूट का मज़ा मिलेगा। तो चलो बनाते हैं आज की हमारी रेसिपी फ्रूट कस्टर्ड ट्राइफल। सबसे पहले हम कस्टर्ड बना लेंगे। उसके लिए मैंने 1/2 लीटर मिल्क को गर्म करने के लिए रख दिया है। इसमें हम डालेंगे 5 टेबलस्पून शुगर, 3 टेबलस्पून वेनिला कस्टर्ड पाउडर लिया था, उसमें थोड़ा सा ठंडा दूध डाल के इस तरह का बना लिया। देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। अब हम ये इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा और स्टोर करते जाएंगे। हमें कंटिन्यूसली स्टर करना है वरना इसमें लम्स बन जाएंगे। अब देख सकते हैं इसमें बॉईल आ गया है और कस्टर्ड भी अच्छे से थिक हो गया है। तो अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और इसे ठंडा कर दूंगी। मैंने कुछ फ्रूट्स लिए हैं। इसमें मैंने मैंगो, बनाना, पाइनएप्पल, चीकू एंड ग्रेप्स लिया है। आपको जो पसंद है आप अपने पसंद से फ्रूट्स ले सकते हैं। इसमें हम थोड़ी सी पाउडर शुगर ऐड करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। पाउडर शुगर ऐड करने से हमारे फ्रूट्स काले नहीं होंगे, इसका कलर भी चेंज नहीं होगा, ये एकदम फ्रेश रहेंगे। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये मैंने 3 कलर की जेली रेडी करके रखी है, ऑरेंज, रेड और ग्रीन। जो रेडीमेड पैक मिलता है जेली का, उसी से मैंने ये बनाया है और उसे इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया। ये मैंने शुगर सिरप रेडी किया है। मैंने 3 टेबलस्पून शुगर लिया था और थोड़ा पानी डाल के शुगर को डिसॉल्व होने तक के पकाया था। और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। सबसे पहले हम एक बोल ले लेंगे। इसमें हम सबसे पहले स्लाइस केक रख देंगे। ये मैंने वेनीला फ्लेवर का लिया है जो मार्केट में आसानी से आपको मिल जाएगा। आप कोई भी केक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें तरह से इसके ऊपर हम शुगर सिरप डाल देंगे अच्छे से सब जगह। फिर इस पे हम मिक्स फ्रूट डाल देंगे, अच्छे से सब जगह स्प्रेड करेंगे। इसमें डालेंगे हम कस्टर्ड जो हमने रेडी करके रखा था। इसमें डालेंगे हम जेली। फिर से हम इस पे फ्रूट्स डाल देंगे। मैंने अच्छे से फ्रूट स्प्रेड कर दिया है। अब हम इस पे फिर से कस्टर्ड की एक लेयर लगाएंगे। मैंने कस्टर्ड अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। अब ऊपर से हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। मैंने अच्छे से ड्राई फ्रूट डाल दिया है। अब ये रेडी है, इसे मैं अभी फ्रिज में रखूंगी 1 से 2 घंटे के लिए ताकि ये अच्छे से सेट भी हो जाए और अच्छे से ठंडा भी हो जाए।
रेडी है हमारा फ्रूट कस्टर्ड ट्राइफल। ये एक यूनिक और बहुत ही टेस्टी डेजर्ट है जो आप सबको भी बहुत पसंद आएगा, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।